मणिपुर पे चर्चा के बिना कोई सत्र, कोई सदन, कोई बहस हो नहीं सकती है। इस देश का एक अखंड हिस्सा है मणिपुर, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं 78 दिन पहले, आज भी जो शोषण करने वाले थे, जो विभत्स जानवर दरिंदे उनके साथ ये कर रहे थे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज भी वो छुट्टा घूम रहे हैं, आज भी बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बना हुआ है मणिपुर का। उनको शर्म आनी चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को उन्होंने जो अपनी अपनी कुर्सी को कलंकित किया है, उसकी किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री से सारी पार्टियों के लीडर्स ने एक ही चीज कही थी कि सारे मणिपुर के जो निवासी हैं वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सीधा मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि वहां जो हुआ है ये तो सोचा ही नहीं जा सकता। ये ऐसे है कि कोई एकदम वॉर की कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी इस प्रकार की घटना शायद नहीं होती है जो आज हमारे देश के एक हिस्सा में हुआ। शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस वीडियो ने इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। आपके अंदर आत्मा और नियत नहीं है, आपके अंदर कलेजा नहीं है, आपका कलेजा फटता नहीं है ये तस्वीरें देखकर। आज तक एक या दो महीने होने को आए हैं, इतनी ज्यादा हिंसा हुई है और अभी तक बोले नहीं है, तो जरूर बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा सरकारों का काम होता है, बिल्कुल सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन मणिपुर में जो हुआ जरूर उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जवाबदेही तो सरकार को होना ही पड़ेगा। दिन पुराना था, क्या हक है एक व्यक्ति को वहाँ का मुख्यमंत्री बने रहने का? उसको पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्या हक है नरेंद्र मोदी की सरकार को बने रहने का? 78 दिन बाद जब वीडियो सामने आता है तो स्मृति ईरानी के मुंह की चुप्पी टूट रही है। मणिपुर जल रहा है और ये हम बार बार कह रहे थे। जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो कहा गया वो राजनीति कर रहे हैं। इन औरतों के साथ क्या हो रहा है? इनके साथ जो बदसलूकी हो रही है वो आपकी शर्मिंदा है देश कि आप ऐसे प्रधानमंत्री है कि आप चुप है और देश की बेटियों के साथ ये हो रहा है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, और ये सच है कि जिस हिंसा में मणिपुर जल रहा है वहां पर झुलस औरतें और बच्चे रहे हैं। किसी सभ्य समाज में एक 15 साल की लड़की के साथ ये हो सकता है? जघन्य भयानक घटना जो सामने आया है मणिपुर के, ये पूरे देश को इतना शॉक लगा, इतने आउटरेज है पूरे देश। और हम तो समझते हैं कि ये भारत की हर महिला के साथ ऐसे हम महसूस करते हैं। घटना 2 महीने पहले की है, पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था, और जिस तरीके से एक शर्मनाक दर्दनाक हादसा सामने आया है वो देश को शर्मसार करने वाला है, मन को विचलित करने वाला है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूँ मणिपुर पे चर्चा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़े, देश की जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। आज तक देश की महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, और जब पूरा ट्विटर पर ये वायरल हुआ है वीडियो, जब उन पर प्रेशर आया है तो कहती हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश के किसी भी कोने में, देश या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरीके के अगर माहौल हैं, वायलेंस के माहौल हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है महिलाओं को होती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने वालों का मुंह बंद होना चाहिए। क्या बोल सकता है कोई देश में? आज दुनिया जानना चाहती है, आज मणिपुर की जब चर्चा यूरोपियन पार्लियामेंट और अमेरिका में हो रही है हमें बुरा लगता है, लेकिन असलियत यह है कि इन बेटियों की आवाज वहां पहुंच गई लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाई। मीराबाई चन्नू का परसों वीडियो आया है, रिक्वेस्ट करिए कि प्रधानमंत्री जी नॉर्मल सी आनी चाहिए, पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये इतनी सारी शर्मसार करने वाली दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सिर्फ वायलेंस बढ़ता जा रहा है, किसी तरीके की बातचीत नहीं। इनको दर्द होता है जब यूरोपियन पार्लियामेंट इसके बारे में बात करता है, पर आज देश के इंडियन पार्लियामेंट पे इसकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। ऑल पार्टी जब मीटिंग हुई थी उसके ऊपर भी क्या रिपोर्ट है, क्या कंक्लूजन्स हैं, क्या काम किया है, कोई जवाबदेही नहीं है। शर्मनाक है, शर्मसार करने वाला है और दुखद है। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की नागरिक, हमारी बहन के साथ ऐसे हुआ तो हम पर भी ऐसे हुआ,
ये हर औरत आज ये महसूस करती है। और आज प्रधानमंत्री कहते हैं 140 भारतवासियों को शमशार किया गया। अरे आप शमशार है कि नहीं प्रधानमंत्री? आपकी डबल इंजन सरकार है। आप प्रधानमंत्री होते हुए 77 दिन आप चुप रहे, ये किसका दोष है? ये आपका है, आपकी डबल इंजन सरकार की है, आपकी गृह मंत्रालय की, आपकी गृह मंत्री की है। वीडियो को देखकर हिंदुस्तान की आत्मा झकझोर गई है, आत्मा जो है वो कांप उठी है। क्या बात आप लोग करते हैं। और मणिपुर पर प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है वो निंदनीय नहीं, घृणित है, घिनौना है। वो दिखाता है कि आप बदनीयत हैं, वो दिखाता है कि आप हाथ पर हाथ धरे सिर्फ बैठे रहिएगा और ये देश चलता रहेगा।